फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कल सुबह होते ही तुम अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ। तुम्हें यहां की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कबीले में मुंतजर है कोई आपका। मुझे अपना दोस्त ही समझे। आप मुझे जख्मी हालत में मिले थे। चले ये पी लीजिए ताकि जल्दी बेहतर हो सके। और यही शख्स मेरे लिए असलहान खातून से मेरे निकाह के और चावदार कबीले के दरवाजे खोलेगा। वो कबीला मेरे अजदाद और मेरे भाई जानदार का है और आज के बाद वो मेरा कबीला होगा। अगर हम मिलके इसका निजाम संभालेंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो तुम्हें मुनाफा बख्श शराकत की पेशकश कर सकता हूं मैं। मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने को कहा था। ये घोड़ा खाली क्यों है आखिर? सिमकू ने अर्तुरुल के लिए घोड़ा भिजवाया है। एरिस को वो ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते। इसका मतलब अर्तुरुल की खिदमत के सिले में अपना मुआवजा वसूल करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो पहाड़ी के पास आपका इंतजार करेंगे। आप जानते हैं कि क्या करना है। सिमको को परेशान होने की जरूरत नहीं। अर्तुरुल को मैं मुस्कुराता हुआ उसके अपने पैरों पर चला कर लाऊंगा। अर्तुरुल साहब, आपको मना किया था उठने से। आपके जख्म अभी नहीं भरे। मैं ठीक हूं एंथियस, परेशान ना हो तुम। मैं अब अपने कबीले जाना चाहता हूं। बात सुने, मैं जानता हूं इंतकाम की आग में जल रहे हैं आप, लेकिन जिन लोगों ने आप पर हमला किया था उन्हें आपकी लाश नहीं मिल सकी। हर जगह तलाश कर रहे हैं वो आपको और वो हर किस काफिल नहीं रहेंगे।
मौत से आगे और कुछ नहीं है एंथियस। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए वो उम्र भर फरामोश नहीं कर सकूंगा मैं। जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है वो यकीनन ताकतवर होंगे। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। देखिए मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाया हूं और बाहर घोड़ा भी तैयार है। बहुत तवील सफर तय करना है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत शुक्रिया एंथियस। सफर कितना तवील होगा नहीं मालूम, लेकिन मंजिल का तायुन हो चुका है। उन मलूनों से हमारे बहाए गए खून का हिसाब लिया जाएगा। मेरे साथ जिसने भी ये किया है हिसाब देना होगा उसे इसका। भाई क्या तुम हमारे बाबा को याद करते हो? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। इसमें से मेरे बाबा की खुशबू आती है, जब भी वो मुझे याद आते मैं इसे सूंघ लेता हूँ। लो तुम भी सूंघ लो इसे। तुम कभी नहीं घबराना, ठीक है? सिपाही कभी नहीं घबराते। मुझे देखो। वालिदा क्यों रो रही हैं? मैं तो नहीं रो रही कुद्दूस। ना रोए वालिदा, मैं हूं ना। अपने भाई और आपकी हिफाजत मैं करूंगा। मैं जानती हूँ कुद्दूस, तुम अपने भाई और मेरी हिफाजत करोगे, एक अजीम सिपाही बनोगे। वैसे भी बाबा ने सफर पे जाते हुए आपको मेरी अमानत में दिया था। बिल्कुल सही कहा कुंदूस, तुम्हारी अमानत में दिया था उन्होंने। थोड़ा आराम करने देते हैं अर्तुरुल साहब, रात गांव में गुजारेंगे।
उन लोगों को जानता हूं मैं, वहां हम आराम से रह सकते हैं। अर्तुरुल साहब, एंथियस ने आपका बहुत ख्याल रखा है। मैं आपको इतना तंदुरुस्त देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम तो कह रहे थे हमारा सफर तवील है, लेकिन देख सकते हो तवील इतना भी नहीं था। ये कारवान पर हमला होगा तो ताजिर भाग जाएंगे। काई कबीले के लिए लुटेरों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तुर्कों के लिए वो बाजार फायदेमंद बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है जमींदार एरिस। ईरान से आने वाला एक बहुत बड़ा कारवान जल्द पहुंचने वाला है, मूसल से, हलब से, हत्ता के चीन से आने वाले तमाम कारवान जो यहां से गुजरते हैं, मेरे हुक्म से उन्हें हानली बाजार से हर सूरत गुजरना होगा। लेकिन हानली बाजार से फायदा उठाने से पहले हानली बाजार काई से लेना होगा हमें, या फिर मैं उस बाजार को आग लगा दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी जमींदार एरिस। दुंदार जब फंस जाएगा तो मुझसे मदद मांगेगा और मैं उसको बाजार बेचने की तजवीज दूंगा, और दूसरी जानिब अपने एतमाद का एक आदमी खरीदार बना के लाऊंगा। उस वक्त सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। यानी बाजार को हम आपके आदमी के तवस्सु से चलाएंगे? बिल्कुल, बाजार को खरीदने के लिए कीमत आपको अदा करना होगी। बाजार की कीमत अगर मैं अदा करूंगा अमीर सादुद्दीन, तो बाजार के मामलात भी मेरे ही आदमी देखेंगे। मेरा सोना जमीन की बजाय बाजार के लिए सर्फ होगा। निकिया से मैं माहिर ताजिर बुलाकर बाजार में मुकर्रर करूंगा, यही शर्त है मेरी। जिस तरह मशरिक के तमाम ताजिर आपकी मुट्ठी में बंद हैं, इसी तरह रूमी और फ्रांसीसी ताजिर मेरी मुट्ठी में बंद है अमीर सादुद्दीन। कहिए फिर ये शराकतदारी मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर है एरिस।
अमीर सादतीन, मिलिए मेरी मुकर्रबे खास से। खुश आमदीद जनाब, खुशी हुई मिलकर। मुझे खुशी है कि तुम एक बाज़ौक आदमी हो और अकलमंद भी। मेरे ख्याल से ज़ियाफ़त तमाम हुई, अब आप अपनी मुकर्रबे खास को वक्त दीजिए। फौरी तौर पर दुंदार के पास जाओ और उस पर दबाव डालो, भड़कते हुए शोरों को हवा देना जरूरी है। अब तुम अपने आप को अपने नए मालिक सिमको के सुपुर्द कर दो अर्थुरुल साहब। आज से तुम्हारा खून और जान मेरी है। बस तुम जैसे भेड़िये का गुलाम बनने से बेहतर है कि मैं जान दे दूं अपनी। ठीक है, तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। जाओ पकड़ो इसे। आपकी आंखों की चमक आपको हासिल होने वाली कामयाबी का इशारा कर रही है। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, अमीर सादतीन मैदान से कभी नाकाम नहीं लौटता। आपने एक बार फिर यह साबित कर दिया अमीर हजरत, और इसका सारा बोझ अपने सबसे बड़े दुश्मन एरिस पे डाल दिया। अब उसकी यह मद्दा परस्ती दुंदार साहब को और भी मुश्किल में डाल देगी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अर्तुरुल था। मैं अपना इख्तदार उसकी लाश की राख पे कायम करूंगा। और एरिस के बारे में आप क्या कहते हैं जनाब? आखिरकार उसे अपने जाल में फंसने का पता चल ही जाएगा। हमारे सुल्तान जब पता हासिल कर लेंगे फिर कारा जैसार की बारी आएगी। बेफिक्र हो जाओ, एरिस का हशर अर्तुरुल के अंजाम से किसी सूरत कम नहीं होगा। और वो बहादुर साहब कहाँ हैं? बस पहुंचने ही वाले हैं। आला, आने दो उन्हें, आने दो। मैं एरिस के सोने से बाजार खरीदूंगा और बहादुर साहब को इस खित्ते का सबसे ताकतवर सरदार बना दूंगा जो सिर्फ मेरे ताबे होगा। तुम जानते हो सल्तनत में अहम कौन होता है? वही जो इस्तकामत और मजबूती के साथ डटा रहे। अपनी सल्तनत के लिए मैं हमेशा ताबेदार रहूंगा अमीर हजरत।
आज मेरी सबसे बड़ी फतह का दिन है मारिया। ये तोहफा इसलिए दिया है मैंने तुम्हें कि ये दिन खास बन जाए। क्यों मुखिल हुए हो तुम? जनाब, मिनहालिस आया है। भेजो से। तुम अंदर जाकर इंतजार करो, मैं आता हूं अभी। आपने मुझे याद किया था जमींदार एरिस। मुझे और भी बड़े हमले चाहिए मिनहालिस। तादाद बढ़ाओ आदमियों की। सोने की फिक्र ना करो, पहुंच जाएगा। इतने हमले करो कि तुम्हारी दहशत तुर्कों की सांसों में बैठ जाए। समझ गए? जैसा आपका हुक्म जमींदार एरिस। ल्यूकस, सरहदों पर हमारे सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दो। चारों तरफ फैला दो। कहीं भी कोई तुर्क दिखे उसे जान से मार दिया जाए। इतना खौफ फैला दो कि वो कबीले से निकलने की सोचे भी ना। आपका हुक्म सर, आंखों पर। तुर्कों की कमर तोड़ने वाले हैं हम ल्यूकस। गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। और हाँ, दुंदार को खबर भिजवा दोगे? हालनी बाजार में मिलना चाहता हूं। जैसा आपका हुक्म। अब हैरिस की नींदें उड़ाने का वक्त आ गया है। किले में मौजूद कबूतर को हरकत दो। इस तरह वो हैरिस और तुरुल को भी देख लेगा और साथ ही वो अपने ही किले में महफूज नहीं इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा उसे। हैरिस ने अगर अर्तुरुल के बदले मुंह मांगा सोना ना दिया तो क्या होगा? उस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को इल्म हो जाएगा कि हैरिस ने उनके सरदार आला पर हमला किया था। हम नहीं, एरिस खौफ ज़दा होगा। अब जाओ और घर में इंतजार करो। अर्तुरुल साहब, वाह। देखो जरा अपनी हालत। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं तुम पे कितना मेहरबान हूं? क्यों मेरे आदमियों से उलझ पड़े तुम? ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है सिमको। मेरे हाथों को जंजीरों में जकड़ाया तुमने, लेकिन अपने दांतों से फाड़ डालूंगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारे दांत ही निकाल दूंगा अर्तुरुल। तुम्हारे जैसा ताजिर एक गुलाम पे इतना वक्फ सर्फ नहीं करता। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? काफी सही ना आदमी हो। मैं तुम्हें चंद सिक्कों की वस नहीं बेचूंगा, क्योंकि तुम्हारी कीमत मैं जानता हूं। तुम्हें इन मजबूर और बेबस गुलामों की तरह बेचने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खरीदने वाला आदमी तय है। जिसने मुझ पर हमला किया
उसे जानते हो तुम, उसी को मुझे बेचने की नीयत है तुम्हारी। बहुत होशियार हैं आप अर्तुरुल साहब, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। लेकिन परेशान ना हो आप, जब आप उसके हवाले हो जाएंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी। चलो उठो, आगे जाना है हमें। चलो चलो यार साहब, हमें आगे जाना है। चलो उठो, सुस्ती मत करो, उठो। चलो जल्दी। सुबह बखैर। शुक्रिया जनाब। काम कैसा चल रहा है आपका ताजिर साहब? क्या बताऊं जनाब, लुटेरे कारवां लूट लेते हैं, हमारा कारोबार तो तबाह होकर रह गया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जनाब, हमारी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएंगे आप? परेशान ना हो आप, हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मदद करेगा। बाजार में बहुत जल्द दोबारा रौनकें बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे। शुक्रिया जनाब। भाई आप ज्यादा परेशान मत हो, जब इन ताजिरों की जेब तंग होती है तो ये समझते हैं कि इन पर परेशानियों के पहाड़ टूट गए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं अर्तुल भाई, लेकिन उनका कहना भी गलत नहीं। लुटेरों को हम काबू नहीं कर पाए, हर गुजरते दिन के साथ ये मसाला बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, लुटेरों के हमलों की वजह से तिजारत खत्म हो गई है, हर ताजिर परेशान है, उनकी आमदनी खत्म होकर रह गई है, अब ना जाने क्या होगा। मुश्किलात दरपेश जरूर हैं हमें, लेकिन बाजार में अमन सुकून कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। रूमी ताजिर बाजार से जाना शुरू हो गए, इस तरह हम कैसे चल पाएंगे? रिस्क देना ताजिरों का जिम्मा नहीं अलेको, राज़िक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, हमारा काम अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाना है। सरदार दुंदार, जमींदार एरिस ने पैगाम भिजवाया है, अगर आप मुनासिब समझे तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुनासिब है, उन्हें आने के लिए कह दो। खैरियत होगी इंशाल्लाह। देखते हैं अर्तुल भाई, देखते हैं। कितना गहरा जख्म है, आपके दुश्मन भी बहुत ताकतवर होंगे। ये जख्म तो तुम्हारा हाथ लगते ही भरना शुरू हो गया था मारिया, ये हाथ यकीनन किसी मसीहा के हाथ है। शर्मिंदा कह रहे हैं आप मुझे, आपने मुझे गुलामी से निकालकर एक नई जिंदगी दी, एक दिन आप इस पूरे खित्ते पे हुकूमत करेंगे। वो वक्त भी आएगा जबकि मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का सर कुचल दिया है, और अब तुर्कों को अनातोलिया से बाहर निकालने वाला सालार भी बन जाऊंगा, वो वक्त होगा मेरा। अच्छा तो तुर्क था वो, आपका बुलंद हौसला बनाने वाले ताकतवर दुश्मन के बारे में भी जानना चाहूंगी। कौन जानता है कि आपने उसे कितनी अज़ियतनाक मौत दी। मैंने तबाह की हुई चीज को कभी पलट कर नहीं देखा मारिया, और ना ही याद रखता हूं, नजर मुस्तकबिल पर रहती है मेरी। तुर्कों को इस खित्ते से बाहर निकालना ही अजीम एरिस का ख्वाब है, याद रखना तुम। और अगर तुम्हें भी इस ख्वाब का हिस्सा बनना है तो आंखें खुली रखना मारिया। जैसा आप कहें,
जल्दी जल्दी ए मको जल्दी चलो, अगर किसी ने भी सुस्ती दिखाई तो मैं उसकी खाल उतार दूंगा। चलो तुम्हारी नजर चापियों पर है। सिमको ने कहा था कि तुम बहुत होशियार आदमी हो। सही कह रहा था वो, तुम्हारी होशियारी तुम्हारी आंखों से झलक रही थी जिस वक्त लड़ रहे थे तुम। मेरा नाम पीटू है, मैं एक नाकाम चोर था। सब ठीक है जनाब। गुनाहगार हूं मैं। जब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे गुनाहों की सजा है तो तुम आ गए। क्यों मर मर के चल रहे हो? जल्दी करो, किसका इंतजार है? हम सभी इस गुलामों के ताजिर से छुटकारा पाना चाहते हैं। तुमने उसकी गुलामी में होने के बावजूद बहुत बहादुरी से मुकाबला किया उसका। हमें तुम ही निकाल सकते हो यहां से। हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि तुम एक चोर रह चुके हो तो महारत दिखाओ अपनी आखिरी बार। वो चाबियां हासिल कर लो। मैं वो चाबियां हासिल कर लूंगा और फिर आपको और खुद को इन जंजीरों से आजाद करवा लूंगा। हमारी जानें और हमारा खून आपकी अमानत होगा, यकीन रखें। मेरी बात सुनो मलून चोर, इस आदमी से दूर रहना। क्या मैंने तुम्हें ये कहा नहीं था? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मावरो, ले जाओ उसे और इतने कोड़े बरसाओ कि इसके होश ठिकाने आ जाए। मलून भेड़िया, ऐ अल्लाह इन जालिमों को कुचलने के लिए मेरी कुव्वत को कम मत करना। मुझे अपना शिकार आज रात खाने पे चाहिए। बादाम और किशमिश का पुलाव भी हो साथ में। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। अमीर हजरत, बहादुर साहब पहुंच गए हैं और चावदार कबीले की तरफ गए। आला, अभी अपनी भतीजी असलेहान से मिल लेने दो। उन्हें अपने अजदाद का औताक देख लेने दो। उनके साथ मिलकर अभी बहुत सारे काम करने हैं हमें। बहादुर साहब की आमद के बाद अनातोलिया की सूरतेहाल आपकी मंशा के मुताबिक हो जाएगी।
डोर अब हमारे हाथ में है गोक्तू। दुंदार अब किसी भी वक्त हमसे मदद मांगने के लिए आ जाएगा और उस वक्त काई वालों का जवाल शुरू हो जाएगा। असलहान खातून भी देख लेंगी के मैं ही हाकिम और मैं ही कानून। असलहान खातून, माशाल्लाह आपके बाल तो बिल्कुल रेशम की तरह हैं। कंघी खुद ही फिसलती चली जाती है। बहुत शुक्रिया अस्मा खातून। तुरगुत साहब के साथ आपका जोड़ बहुत जचता है। वैसे आपका निकाह कब तक होने का इम्कान है? पहले वो जंग से सही सलामत लौट आए, उसके बाद कोई मुनासिब वक्त देखकर निकाह हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत जल्द उन्हें सही सलामत वापस ले आए। आमीन। ये नकारा इस वक्त क्यों बज रहा है आसमा? अंदर आ सकता हूँ असलहान खातून? अभी नहीं गिरजा, क्या बात है? बहादुर साहब अपने बेटे संजार के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। खैरियत होगी असलहान खातून? खैरियत नहीं है। बहादुर जहां जाता है शैतान भी पीछे हट जाता है। अल्लाह महफूज रखे हमें। सरदार बहादुर हैं। कैसे आ गए? अरे वो देखो, सरदार बहादुर आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सरदार बहादुर आ रहे हैं। खुशामदीद सरदार, सरदार बहादुर खुशामदीद, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद। मैदान जंग को दहला देने वाला, जो दुश्मन की सात सफों में हलचल मचा दे, अपनी तलवार से दुश्मन के 40 सर उड़ा दे, बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार, शेर की जिंदगी वाले बहादुर सरदार। आप क़यामत से हमारा कबीला खुशहाल हो जाएगा। आप क़यामत हमारे लिए शर्फ का भाई से खुशामदीद। फतह सबसे पहले अल्लाह की है, इंशाल्लाह अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद, हम आपको अपने कब्जे में खुशामदीद कहते हैं सरदार। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। खुशामदीद सरदार, खुशामदीद, अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। शुक्र है कि मुझे इतने सालों बाद और वो भी जंग की फतह के बाद अपने कबीले लौटना नसीब हुआ। बहुत अरसे से आप तमाम लोग भी फतह के मुंतजर हैं, मैं जानता हूं। मैं अपनी फतह को चावदार कबीले के साथ बांटने और नई फतुहात की नवीद लेकर आया हूं यहां। दुश्मनों के सरों को दाखली दरवाजे पर टांग दो, ताकि कबीले में आने जाने वाला हर शख्स चावदार की जंग में हासिल होने वाली शानदार फतह देख सके। सरदारी आपकी है बहादुर सरदार, 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 सरदारी आपकी है बहादुर सरदार। जंग से मिलने वाला माले गनीमत पूरे चावदार कबीले में तकसीम किया जाएगा। सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद, सरदार बहादुर जिंदाबाद,
خوش آمدید بہادر صاحب. بہت شکریہ اسلحان خاتون. ہماری زندگی کا مقصد جنگ کے دوران جان لینا اور اپنی شان بڑھانا ہے. شیر کی کھال میں لپیٹا گیا ہوں میں, عقاب کے گھونسلے توڑتے ہوئے بڑا ہوا ہوں. میری بہادری پیدائشی ہے. کراجہ خاتون سے تو واقف ہو تم, یہ اب میری زوجہ ہے. اللہ مبارک کرے. اللہ راضی ہو تم سے. سنا ہے کہ میرے بھائی مرحوم جاندار صاحب کی امانت کی دیکھ بھال اب تمہاری ذمہ داری ہے. بالکل, اللہ کی مدد سے اس امانت کی پورے حق سے حفاظت کر رہی ہوں. خیمہ تیار کرواؤ ان کے لیے, بہت دور سے آئے ہیں, تھک گئے ہوں گے. گرجا, خواتین سے کہو کہ شربت تیار کریں, ہمارے مہمانوں کو پیاس لگی ہوگی اور تھک بھی چکے ہیں. تشریف لائیے. یا اس کے کسی وزیر کی طرح یا پھر زمیندار کی طرح. اور آج زمیندار ایرس بھی آیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ بازار کسی قابل آدمی کو سونپ دیا جائے, اور وہ قابل آدمی وہ خود ہے. بہادر صاحب جیسے عظیم سردار کی موجودگی میں ایک خاتون کا سرداری کے منصب پہ بیٹھنا مناسب نہیں. دوسرے غلاموں کو بھی کھول دو, ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے. ہمیں بازار بیچ دینا چاہیے والدہ. ہمارے لیے ہانلی بازار بہادر صاحب خریدیں گے.